द लास्ट वन इज़ मास कस्टमाइजेशन जैसे मैंने बताया पहले कि मास कस्टमाइजेशन इज रे न्यू स्ट्रेटी जो कि डेवलप की गई है लेट सिक्सटी सेवेंटीज़ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है uh, इसके अंदर बेसिकली लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम एफिशेंट प्रोडक्शन होता है बट uh, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है ये इसका खा, ख, खास ख़ास बात है कि इसके अंदर प्रोसेस स्ट्रेटजी का कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के जो एफिशिएंसी है वो इसके अंदर वो भी होती है तो एक किस्म का आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन कस्टमाइज प्रोडक्ट आप कस्टमर्स uh, को पहुंचा रहे हैं uh, इसका जो uh, basically one of the earlier earliest uh, जो इसको कंपनी ने किया था वो that was a Japanese company वो bicycle produce करते थे तो उनको कोरिया की तरफ से बड़ी uh, competition मिल रहा था और कोरिया एंड taiwan की तरफ से वो सस्ती साइकिल इंट्रोड्यूस uh, uh, करते थे जापान में तो इनकी मार्केट शेयर एरोड हो रही थी सो so what they did was दे स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट कि उन्होंने के, उन्हों के शॉप्स होती थी शॉप्स में कस्टमर जाता था उनको डिफरेंट ऑप्शन कंप्यूटर पर दिखाते थे साइज़ वग़ैरह उधर ही बताते थे कि वो अपने साइज़ के मुताबिक कौन सा डिज़ाइन चाहिए टायर किस किस्म के चाहिए कलर किस किस्म का चाहिए और डिफरेंट ऑप्शन जो है उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते थे और वो सारा का सारा जब हो जाता था तो वो पूरा प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की तरफ से पूरी मिल जाती थी तो वो उस शॉप से ये डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिकली फैक्ट्री में चला जाता था फैक्ट्री में कंपोनेंट्स पहले से तैयार होते थे बेताचा उन्होंने स्टोर किए होते थे उन कंपोनेंट्स को उसमें से जो जो रिक्वायरमेंट थी वो निकाल कर लाते उसको असम्बली लाइन पर असम्बल करते और इन फिफ्टीन डेज़ वो साइकिल तैयार होकर उस कस्टमर के घर पर डिलीवर हो जाती So it was a customized product delivered and production was uh, in mass quantity. So w what they were basically doing, it was achieving uh, economies of scope rather than economies of scale. Economies of scale is same product of large volume produce and spread its cost, hai, fixed cost ko, over large number of units of the same product. बट इधर इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर अगेन लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रहा है क्यों क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट बेशक वो डिफरेंट है तो वो उसको हम स्कोप के अंदर ले जाते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अचीव कर रहे हैं क्वांटिटी वॉल्यूम वही बन रहा है लेकिन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिलाकर वो बन रहा है तो वो उसको अचीव कर रहे थे और उसके बेसिस पर दे स्टार्टेड टेकिंग बैक देयर मार्केट शेयर और उसके अंदर ये बहुत सक्सेसफुल हुआ उनका तो ये जो गुड्स और सर्विसेज है, हैं ये इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड को मीट करती हैं ठीक है और बेसिकली जैसे मैंने कहा जो मास प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो अचीव कर रहे होते हैं इसके हिसाब से Uh, इसकी जो फिक्स uh, कॉस्ट है वो हाई होती है बट वेरिएबल कॉस्ट हैज़ टू बी लो अदरवाइज इट विल नॉट बी फीजबल टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी मास कस्टमाइजेशन की इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हम मास कस्टमाइजेशन को यूज़ uh, uh, कर सकते हैं और uh, कर रहे हैं कई कंपनीज इसके अंदर देर आर मैनी पार्ट्स एंड कम्पोनेंट्स जो कि इनपुट के, के तौर पर आते हैं ये कंपोनेंट्स और पार्ट से वो मॉड्यूल्स बनते हैं मॉड्यूल्स भी बेताशा हैं ठीक है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीनज हैं डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन हैं उसके अंदर प्रोसेसर्स की कैपेसिटी डिफरेंट है उसके अंदर सेमी कंडक्टर्स मदरबोर्ड ये सब डिफरेंट हैं वो सारे मॉड्यूल्स पड़े होते हैं कस्टमर ने ऑर्डर किया उसके हिसाब से ये मॉड्यूल्स आपके पड़े हुए थे उससे उन्होंने डेवलप किया प्रोड्यूस किया डिफरेंट प्रोडक्ट्स uh, बनाए डिफरेंट uh, ये जो हैं कंप्यूटर्स uh, बनाए लैपटॉप्स बनाए टेबलेट्स बनाए वे डिफरेंट चीज़ें वो प्रोड्यूस हो सकती हैं विद कंबाइनिंग दीज डिफरेंट मॉड्यूल्स और उसके बेसिस के ऊपर मैस कस्टमाइजेशन के तौर पर आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट मैसिवली आपने प्रोड्यूस किया फॉर डिफरेंट कस्टमर